आज हम राइटिंग कंपोजिशन के अंतर्गत पैराग्राफ राइटिंग के विषय में पढ़ेंगे, देखेंगे कि पैराग्राफ क्या होता है और पैराग्राफ कैसे लिखते हैं इंग्लिश में। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे, अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय भूपेंद्र सर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। आइए आज हम देखते हैं इंग्लिश में पैराग्राफ राइटिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि पैराग्राफ होता क्या है। जब भी आप कोई किताब पढ़ते हैं, किताब में अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, उस चैप्टर्स में अलग अलग पैराग्राफ होते हैं। मतलब अगर एक साथ पूरे कंटेंट को लिख दिया जाएगा तो ना तो आपको पढ़ने में मजा आएगा और आप समझ भी नहीं पाएंगे कि अलग अलग विषय वस्तु को किस तरह से यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। इसीलिए प्रत्येक चैप्टर में अलग अलग पैराग्राफ होते हैं, प्रत्येक किताब में अलग अलग पैराग्राफ होते हैं। तो पैराग्राफ क्या होता है? अ पैराग्राफ इज अ डिस्टिंक्ट सेक्शन ऑफ राइटिंग दैट यूजुअली डील्स विद अ सिंगल थीम, बिगिंस ऑन अ न्यू लाइन एंड इज मेड अप ऑफ वन आर मोर सेंटेंसेस। एक पैराग्राफ में केवल एक ही विषय वस्तु को डिस्क्राइब किया जाता है, एक पैराग्राफ में केवल एक ही थीम होता है, एक पैराग्राफ में एक से अधिक थीम नहीं होते। और जब भी आपको बोला जाता है कि आप पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इसका मतलब क्या होता है कि न्यू पैरा एक न्यू लाइन से शुरू होता है, क्योंकि एक पैराग्राफ में एक ही विषय वस्तु एक ही थीम होती है और एक पैराग्राफ में एक या एक से अधिक सेंटेंस हो सकते हैं। कभी कभी एक लाइन का भी पैराग्राफ हो सकता है और एक से अधिक सेंटेंस को मिलकर भी पैराग्राफ बनता है। अब द एलिमेंट्स आर पार्ट्स ऑफ अ पैराग्राफ। पैराग्राफ में क्या क्या भाग होते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं उसके? किसी भी पैराग्राफ में तीन हिस्से हो सकते हैं, तीन हिस्से होते ही। पहला है सब्जेक्ट सेंटेंस, दिस रिफर्स टू द टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ, दिस इज आल्सो कॉल्ड टॉपिक सेंटेंस। किसी भी पैराग्राफ का जो फर्स्ट सेंटेंस होता है उसको हम बोलते हैं टॉपिक सेंटेंस या फिर सब्जेक्ट सेंटेंस, और उसी सब्जेक्ट के आधार पर, उसी थीम के आधार पर हम उस पैराग्राफ के अन्य सेंटेंसेस को लिखते हैं। तो पहला जो सेंटेंस होता है हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जब भी आप पैराग्राफ लिखते हैं किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी भी विषय वस्तु पर, तो जो पहला सेंटेंस है वह सीधा उस मेन टॉपिक पे होना चाहिए जिस पर आप यह पैराग्राफ लिख रहे हैं। दूसरा बॉडी सेंटेंस या सेंटेंसेस, फर्स्ट सेंटेंस तो आ गया। अच्छा, एक पैराग्राफ में कंटिन्यूएशन में सेंटेंसेस रहेंगे, है ना? पैराग्राफ को पैरा में थोड़ी डिवाइड करेंगे आप, एक पैराग्राफ में बहुत सारे सेंटेंसेस होंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस आपका क्या हो गया? टॉपिक सेंटेंस हो गया या फिर सब्जेक्ट सेंटेंस हो गया। उसके बाद जो अंदर के हिस्से में जो सेंटेंसेस आते हैं उसको बोलते हैं बॉडी सेंटेंसेस, दिस एलेबोरेट्स अपॉन द टॉपिक डिस्क्राइब्ड इन द सब्जेक्ट सेंटेंस, दिस सेक्शन कुड हैव मेनी सेंटेंसेस। बॉडी सेंटेंसेस किसको बोलते हैं? आपने जो पहला सेंटेंस लिखा है सब्जेक्ट सेंटेंस, उसकी व्याख्या करता है आगे, उसको एलेबोरेट करता है, उसके विषय में विस्तार से बताता है। मतलब जो पहला सेंटेंस है सब्जेक्ट सेंटेंस हो गया या टॉपिक सेंटेंस, उसके बाद जो सेंटेंसेस आते हैं उसको हम बोलते हैं बॉडी सेंटेंसेस। तो जो पहला सेंटेंस लिखे हैं उसी को डिस्क्राइब करना होता है पैराग्राफ राइटिंग में, और इसमें एक या एक से अधिक सेंटेंस हो सकते हैं। कंक्लूडिंग सेंटेंस, अब अंत आ जाता है, कंक्लूजन लिखते हैं हमेशा। जब भी आप ऐसे वगैरह कुछ लिखते हैं तो पहले लिखते हैं इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन। तो कंक्लूडिंग सेंटेंस मतलब फाइनल सेंटेंस, दिस लीड्स द टॉपिक एंड इट्स एलेबोरेशन टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। मतलब ऊपर आपने जो भी लिखा है आखिरी में उसको समराइज करते हैं और एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, इसको बोलते हैं कंक्लूडिंग सेंटेंस। तो इस प्रकार किसी भी पैराग्राफ के तीन हिस्से होते हैं। पहला होता है, पहला लाइन में जो लिखते हैं सब्जेक्ट सेंटेंस या टॉपिक सेंटेंस, फिर उसका बॉडी होता है बॉडी सेंटेंस या बॉडी सेंटेंसेस, और थर्ड होता है कंक्लूडिंग सेंटेंस। अब यहाँ पे मैं थोड़ा और डिस्क्राइब कर दिया हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अब पैराग्राफ इज अ कनेक्टेड सीरीज ऑफ सेंटेंसेज रिलेटिंग टू द सेम सब्जेक्ट। मतलब एक पैराग्राफ में एक से अधिक सेंटेंस होते हैं जो एक ही विषय वस्तु को डिस्क्राइब करते हैं, मतलब वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं।
जस्ट एज अ सेंटेंस कंटेन्स वन मेन थॉट, इन द सेम वे अ पैराग्राफ कंटेन्स वन मेन टॉपिक और थीम। जैसे जब कोई एक वाक्य लिखते हैं तो उसका केवल एक ही थीम होता है, वैसे ही पैराग्राफ में भी जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वह एक ही थीम पर आधारित होते हैं, एक ही सब्जेक्ट पर, एक ही विषय वस्तु पर आधारित होते हैं। ऑल द सेंटेंसेज इन अ पैराग्राफ शुड बी सो ग्रुप्ड टूगेदर दैट दे मस्ट सर्व टू डेवलप द मेन थीम। मतलब किसी भी पैराग्राफ में जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वे एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, ताकि उस पैराग्राफ को पढ़कर हमको केवल एक ही थीम या एक ही सब्जेक्ट पता चले कि यह पैराग्राफ इस सब्जेक्ट पर है, इस थीम पर है। क्वालिटीज ऑफ अ गुड पैराग्राफ, एक अच्छे पैराग्राफ में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, कोई भी पैराग्राफ आप जब लिखते हैं तब उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। पैराग्राफ ऐसे राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग से अलग होता है, एक ही ऐसे में बहुत सारे पैराग्राफ्स हो सकते हैं और इसी प्रकार आर्टिकल में बहुत सारे पैराग्राफ्स हो सकते हैं, लेकिन पैराग्राफ क्या है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है। तो क्वालिटीज ऑफ अ गुड पैराग्राफ, एक अच्छे पैराग्राफ में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। अ गुड पैराग्राफ लाइक अ गुड सेंटेंस मस्ट पजेस, जैसे एक अच्छा वाक्य होता है, बहुत सुंदर वाक्य होता है, वैसे ही एक अच्छे पैराग्राफ में ये तीन क्वालिटी होने चाहिए। पहला यूनिटी है, फिर ऑर्डर है, फिर वेराइटी है। आगे मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा और लास्ट में मैं आपको एक सिंपल पैराग्राफ भी दिखाऊंगा कि पैराग्राफ हम कैसे लिखते हैं। पहला है यूनिटी। एक अच्छे पैराग्राफ की पहली खासियत क्या होती है, पहली विशेषता क्या होती है, यूनिटी, मतलब एकता या सामंजस्य। अ पैराग्राफ मस्ट नॉट कंटेन मोर देन वन मेन टॉपिक और वन मेन थीम। किसी भी पैराग्राफ को जब आप लिख रहे हैं तो उस पैराग्राफ में सिर्फ एक ही विषय होना चाहिए, एक ही थीम होना चाहिए, है ना, एक ही सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, एक से अधिक सब्जेक्ट मैटर या एक से अधिक थीम नहीं होने चाहिए। इफ इट डज देन इट इज अ बैड पैराग्राफ, अगर एक ही पैराग्राफ में दो तीन थीम को आपने डिस्क्राइब किया है तो वह अच्छा पैराग्राफ नहीं है। द टेस्ट ऑफ अ गुड पैराग्राफ इज दैट इट्स अ थीम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वन सेंटेंस कॉल्ड द टॉपिक सेंटेंस। सबसे अच्छा पैराग्राफ किसको माना जाता है, जिस पैराग्राफ का पहला सेंटेंस उसके टॉपिक को डिस्क्राइब कर देता है। वास्तव में जब हम पैराग्राफ लिखते हैं तो उसको एक टॉपिक भी देते हैं, हेडिंग भी देते हैं, शीर्षक भी देते हैं, तो शीर्षक के अंतर्गत जब हम पैराग्राफ लिखना चालू करते हैं तो जो पहला सेंटेंस होता है वह सीधा आपके टॉपिक को डिस्क्राइब करना चाहिए, उसको टॉपिक सेंटेंस या सब्जेक्ट सेंटेंस कहते हैं। अ गुड पैराग्राफ इज देयर फॉर अ शॉर्ट एसे इन इटसेल्फ, एक अच्छा पैराग्राफ अपने आप में एक छोटा सा ऐसे होता है। टू विच अ सुटेबल टाइटल कैन आल्सो बी गिवन, जिसको एक सुटेबल टाइटल भी आप दे सकते हैं। कई बार परीक्षाओं में आपको कुछ कीवर्ड्स भी दिए जाते हैं, मतलब पहले से आपको एग्जामिनेशन पेपर में कुछ कीवर्ड्स दे देंगे, कुछ नोट्स दे देंगे, उस नोट्स के आधार पर आपको पैराग्राफ लिखना है, तो आपको टेंस का ध्यान रखना है, दूसरा कि जो कीवर्ड्स हैं वो आपके पैराग्राफ में अनिवार्य रूप से आने चाहिए। थोड़ा बहुत आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, लेकिन जो कीवर्ड्स हैं उसको आप अपने पैराग्राफ में अनिवार्य रूप से शामिल करें और एक पैराग्राफ के सभी सेंटेंस एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। इसके बाद है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्रम, कि हम जो बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, किसी पैराग्राफ में आने वाले जो सेंटेंसेस हैं उनको हम कैसे जमाएंगे एक निश्चित क्रम में। इन अ गुड पैराग्राफ द थॉट्स आर ऑलवेज अरेंज्ड इन अ क्लियर एंड लॉजिकल ऑर्डर, मतलब एक लॉजिकल ऑर्डर में आपको जमाना है उसको, और क्लियर ऑर्डर में जमाना है, मतलब पढ़ने वाले को समझ में आ जाना चाहिए। जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं एक के बाद एक, वैसे इनका ऑर्डर निर्धारित होना चाहिए, है ना, मतलब पढ़ने वाले को लगना चाहिए कि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से ही संबंधित है। द इवेंट्स आर गिवन इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, अगर किसी पैराग्राफ में जैसे कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो गया उसके विषय में आप लिख रहे हैं तो उसमें एक सीक्वेंस होना चाहिए कि दो गाड़ियां जा रही थी सड़क पर, फिर उनका एक्सीडेंट हो गया, कुछ लोग घायल हो गए, फिर पुलिस को बुलाया गया, फिर एम्बुलेंस आए, फिर लेकर गए उनको हॉस्पिटल में भर्ती किए, मतलब एक ऑर्डर होना चाहिए। ऑल आइडियाज आर कनेक्टेड विद द मेन आइडिया एंड अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस आर ऑर्डर, इट मीन्स जितने भी आइडियाज व्यक्त किए गए हैं
जितने भी लाइन्स हैं वो मेन आइडिया से रिलेटेड होने चाहिए और उन्हें उनके महत्व के आधार पर उनको एक क्रम दिया जाना चाहिए, है ना। पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उनको इस आधार पर जमाना चाहिए। इसके बाद वेराइटी। लास्टली, अ गुड पैराग्राफ कंटेन्स बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग सेंटेंसेस। किसी भी पैराग्राफ में ऐसा नहीं कि आप केवल छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखते चले गए या फिर पैराग्राफ में आपने लंबा लंबा सेंटेंस डाल दिया। मतलब एक अच्छे पैराग्राफ में वेराइटी होना चाहिए सेंटेंसेस का, इडियम्स एंड फ्रेजेस का प्रयोग होना चाहिए, वेराइटी होना चाहिए, कोई सेंटेंस छोटा होना चाहिए, कोई बड़ा होना चाहिए, इस टाइप का। इट कंटेन्स सेंटेंसेज ऑफ डिफरेंट लेंथ एंड ऑफ डिफरेंट कंस्ट्रक्शन। अलग अलग प्रकार से आपको सेंटेंस वहां पर डालना है ताकि पढ़ने वाले को वह इंटरेस्टिंग लगे, रुचिकर लगे। सो यू हैव टू इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स इन योर पैराग्राफ। वैरायटी होना चाहिए। तो हमने तीन खासियत देखा, क्या क्या देखा हमने, एक अच्छे पैराग्राफ में यूनिटी होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए और वैरायटी होना चाहिए। अब हम देखते हैं हाउ टू राइट अ पैराग्राफ। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमको पैराग्राफ अब लिखना कैसे, किन बातों का ध्यान रखना है। आइए देखते हैं। टू राइट अ गुड पैराग्राफ यू शुड बेयर इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स। पैराग्राफ लिखते समय आपको निम्न बातों का ध्यान रखना है। किन किन बातों का ध्यान रखना है? पहला है, थिंक आउट द पॉइंट्स अपॉन विच यू विश टू राइट। मतलब पहले आप उन बिंदुओं को सोचना है, उन पंक्तियों के विषय में सोचना है, उस सब्जेक्ट के बारे में सोचना है जिसके विषय में आपको लिखना है। उसके लिए आपको पॉइंट्स इकट्ठा करना पड़ेगा, है ना। जैसे आप पैराग्राफ लिखना चाहते हो, बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे सेंटेंसेस होने चाहिए, तो पॉइंट्स आपको क्या करना है, इकट्ठा करना है, सोचना है। टू गेट सच पॉइंट्स, फ्रेम क्वेश्चंस अबाउट द टॉपिक एंड थिंक आउट आंसर्स टू देम। जैसे आपको पॉल्यूशन के बारे में लिखना है, पॉल्यूशन के बारे में लिखना है, तो आप सोचेंगे कि पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, पॉल्यूशन के कारण क्या है, है ना, आप पॉल्यूशन का कैसे निवारण कर सकते हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है। सो यू हैव टू थिंक एवरीथिंग अबाउट पॉल्यूशन। व्हाट इज पॉल्यूशन, व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन, हाउ कैन वी प्रिवेंट पॉल्यूशन, लाइक दिस। तो आपको पहले क्वेश्चन रेज करना है, उसके आधार पर उसके जो आंसर्स मिलेंगे वही आपके पॉइंट्स हैं। दीज आंसर्स विल प्रोवाइड यू विथ पॉइंट्स टू डेवलप। तो आपके जो आंसर्स हैं वही वे पॉइंट्स हैं जिनको आप अपने पैराग्राफ में लिखेंगे। टॉपिक तो आपको पहले से ही पता है, या तो एग्जामिनेशन में टॉपिक आपको दिया हुआ है पहले से, तो उस टॉपिक पर आपको लिखना है। दूसरा है, हैविंग गॉट द पॉइंट्स। जब आपके पॉइंट्स इकट्ठा हो गए, आपको पॉइंट्स पता चल गया कि मुझे ये पॉइंट्स अपने पैराग्राफ में डालना है, अब 1, 2, 3, 4 यहाँ पर नहीं डालना है, कंटिन्यूएशन में लिखना है। अरेंज देम इन अ प्रॉपर ऑर्डर। जो भी पॉइंट्स आपके हैं उसको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए अपने दिमाग में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शुड बी मेंशन फर्स्ट एंड माइनर पॉइंट्स आफ्टरवर्ड्स। अब जब आप पैराग्राफ लिख रहे हैं तो जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, मेन मेन लाइन्स हैं, उसको शुरू में लिखना है, और जो कम इंपॉर्टेंट हैं उनको बाद में लिखना है। थर्ड, मेक द फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस ऑफ योर पैराग्राफ मोस्ट अट्रैक्टिव। पहला जो सेंटेंस होता है वो टॉपिक सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट सेंटेंस होता है, उसको आपको बहुत ही अट्रैक्टिव बनाना है कि इसको पढ़ने से फिर आगे पढ़ने का मन करे। वैसे जब आप कंक्लूड करते हैं, कंक्लूजन वाला जो सेंटेंस है, जो लास्ट सेंटेंस है, वह भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए। द फर्स्ट सेंटेंस शुड अराउज द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर एंड द लास्ट शुड सेटिस्फाई इट। आपके पैराग्राफ का पहला सेंटेंस पाठक के मन में, जो पढ़ने वाला जो रीडर है उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न करे, इंटरेस्ट पैदा करे, और अंतिम लाइन को पढ़कर वह सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ ये भाई बिल्कुल सही कह रहे। इट मीन्स व्हाट एवर यू हैव रिटन इट इज परफेक्ट। फाइनली द रीडर शुड बी सेटिस्फाइड दैट व्हाट एवर यू हैव रिटन दिस पैराग्राफ इज वेरी ब्यूटीफुल पैराग्राफ एंड व्हाट एवर यू हैव टोल्ड, व्हाट एवर यू हैव रिटन इज करेक्ट। अ शॉर्ट सेंटेंस क्वाइट टू द पॉइंट फॉर्म्स द बेस्ट इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन जैसे आप लिख रहे हैं, पहला सेंटेंस जो लिख रहे हैं, तो बहुत लंबा चौड़ा आपको नहीं लिखना है, शॉर्ट में लिखना है, ब्रीफ में लिखना है, लेकिन वह आपके टॉपिक को अच्छे से प्रेजेंट भी करे। पहला सेंटेंस, इंट्रोडक्शन सेंटेंस। डू नॉट डील विथ मोर देन वन थीम इन योर पैराग्राफ, ऑल द पॉइंट्स मस्ट डील विद द मेन थीम। पैराग्राफ मतलब एक पैराग्राफ में केवल एक ही थीम होता है, एक पैराग्राफ की एक ही विषय वस्तु होती है,
इसलिए एक पैराग्राफ में आप एक से अधिक विषय वस्तु को डिस्क्राइब न करें। इन अ सिंगल पैराग्राफ यू हैव टू डिस्क्राइब ओनली वन थीम, ओनली वन सब्जेक्ट मैटर। दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड। नेक्स्ट, मेक योर सेंटेंसेज शॉर्ट एंड वेराइड इन लेंथ। यद्यपि आपको सेंटेंस छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं आपको, लेकिन फिर भी उसमें वैरायटी होना चाहिए। कोई सेंटेंस थोड़ा छोटा है, कोई बड़ा है, उसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस वगैरह हैं, वो सब आने चाहिए। टेक केयर दैट एवरी सेंटेंस यू राइट इज क्लियर एंड कंप्लीट। इट मीन्स यू हैव टू राइट द कंप्लीट सेंटेंस। यू नो द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। तो आप जो भी सेंटेंस लिख रहे हैं वह सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, मतलब वह पूरा क्लियर होना चाहिए और समझ में आना चाहिए, और पूरा सेंटेंस होना चाहिए, आधा अधूरा सेंटेंस आपको नहीं लिखना है। छठवां, रिवाइज व्हाट यू हैव रिटन, रिमूव ऑल द मिस्टेक्स इन स्पेलिंग्स, ग्रामर, पंक्चुएशन एटसेट्रा। अब क्या करना है आपको, फाइनली आपको दोबारा रिवाइज करना है। एक तरह आप जो ड्राफ्ट बना लेते हैं यहाँ पर अपवर्क में, तो फाइनली आपको उसको रिवाइज करना है, पुनः आपको पढ़कर देखना है कि कहीं आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं किया है, कहीं आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं किया है, पंक्चुएशन मार्क लगाने में तो आपने गलती नहीं की है। तो दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। यू हैव टू रिवाइज, यू हैव टू चेक योर पैराग्राफ अगेन। अब अभी तक आप समझ गए होंगे, और आपसे मेरी पुनः गुजारिश है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर मैं आऊँगा आपके लिए, और आई वुड ट्राई माई लेवल बेस्ट टू टीच इंग्लिश इन ए वेरी प्लीजेंट एंड ए वेरी ब्यूटिफुल वे। तो अब मैं आपको एक डेमो देने का एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि पैराग्राफ हमको लिखना कैसे है। अभी तक जो पॉइंट्स हमने ध्यान में रखा है उसके आधार पर हम देखेंगे। जैसे एक पैराग्राफ है राइजिंग प्राइसेस, है ना, राइजिंग प्राइसेस, ये हमने एक पैराग्राफ ले लिया है। तो देखिए कैसे लिखते हैं, है ना, यहाँ पे पैरा चेंज करके लिखना रहता है, हालांकि मैंने चेंज नहीं कर पाया यहाँ पर। राइजिंग प्राइसेस आर अ नाइटमेयर टू द कॉमन पीपल, ये हो गया टॉपिक सेंटेंस या सब्जेक्ट सेंटेंस। ये क्या हो गया, टॉपिक सेंटेंस या सब्जेक्ट सेंटेंस, कि आम आदमी के लिए एक दो स्वप्न बुरे स्वप्न की तरह है ना, कीमतों में वृद्धि। प्राइजेज ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज लाइक वीट, राइस, पल्सेस, एडिबल ऑयल्स, सोप्स, मिल्क, एग्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैव सोल्ड सो हाई दैट पीपल ऑफ एवरेज इनकम फाइंड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू लिव विद इन मीन्स। पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन फाइंड इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू मेक बोथ एंड्स मेट। देखिए, टू मेक बोथ एंड्स में मतलब निर्वाह करना, गुजारा करना, जीवन यापन करना, है ना, फ्रेज इडियम्स एंड फ्रेजेस का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। द गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स बेस्ट टू चेक द अनप्रेसिडेंटेड राइज इन प्राइसेस बाई ओपनिंग फेयर प्राइस शॉप्स इन रूरल एरियाज एंड दस प्रोवाइडिंग टू द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी ऑल द इसेंशियल कमोडिटीज एट सब्सिडाइज द प्राइसेस। स्टिल द राइज इन द प्राइसेस गोज अनअबेटेड, प्रॉफिटरिंग एंड होर्डिंग आर रैम्पेंट इन आर कंट्री। आर ट्रेडर्स आर अनस्क्रपलस एंड दे ट्राई टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल स्कार्सिटी। देयर ओनली मोटिव इज टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट बाई फेयर मीन्स आर फाउल एंड सो दे ट्राई टू प्लीज द कस्टमर्स इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ अनडिजायरेबल वेज। सो आर ट्रेडर्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एबनॉर्मल राइज इन प्राइसेस। अब ये देखिए कंक्लूडिंग लाइन है कि बढ़ती हुई कीमतों के लिए वास्तव में कौन जिम्मेदार है। देखिए यहाँ पर मैं किसी को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको एक सिंपल बता रहा हूँ। कुछ ट्रेडर्स होंगे तो आपको नाराज होने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ एक सिंपल बता रहा हूँ। सो आर ट्रेडर्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एबनॉर्मल राइज इन प्राइसेस। कीमत बढ़ने के बहुत सारे कारण भी होते हैं, जैसे डीजल के रेट में वृद्धि हो गई तो कीमत बढ़ जाएगा, कहीं पर अकाल पड़ गया तो वहाँ पर कीमत बढ़ जाती है, मतलब मांग जब ज़्यादा हो जाती है और पूर्ति कम हो जाती है तो कीमत बढ़ जाती है। व्हेन डिमांड इज मोर एंड सप्लाई इज लेस, दैट इज ऑल्सो अ मेन काज ऑफ राइजिंग प्राइसेस। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह मेरा एपिसोड अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को,
और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखकर जरूर बताएं कि मेरे ये सारे एपिसोड्स आपको कैसे कैसे लग रहे हैं, और यह मेरा जो एपिसोड है यह आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।